उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने हरिद्वार की ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती की घटना को पुलिस की बड़ी चूक मानी है। रविवार को दिन दहाड़े हरिद्वार के सबसे व्यस्त मार्केट रानीपुर मोड़ स्थित ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की चोरी हुई और डकैती के मामले में पुलिस की लगातार हो रही आलोचना के बीच डीजीपी हरिद्वार पहुंचे। वही डीजीपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधिकारियों से विस्तार में चर्चा की, साथ ही शोरूम मालिक से भी बात की। डीजीपी ने कहा कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया जाएगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। ये जो घटना हुई है रविवार को, ये निश्चित रूप से इस साल की सबसे बड़ी आपराधिक घटनाओं में से एक है। ये जो हरिद्वार में जो डकैती पड़ी है, और इसको हम लोग बहुत एक चुनौती के रूप में बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्वयं शाम को इस बारे में एक मीटिंग ली, जिससे मैं भी वीसी के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा था, और उसमें उन्होंने इस घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट की और हम लोगों से इसमें जो कार्रवाई चल रही थी उसके बारे में जानकारी मांगी। अब चूंकि ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसके बारे में अभी तक जो हमको सुराग मिले हैं उनके बारे में मेरे को जानकारी देना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी उत्तराखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा पुलिस विभाग इस घटना को बहुत गंभीरता से ले रहा है, और विशेष रूप से पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और हमारे जनपद हरिद्वार की पुलिस के लिए ये चुनौती है। और लेकिन ये चुनौती है भी है और एक अवसर भी है ये हमें ये दिखाने का कि बाहर के से आने वाले अपराधी ये ना समझें कि उत्तराखंड किसी भी तरह से, देखिए ये देवभूमि है और यहाँ हम नॉर्मली आने वाले सभी पर्यटकों का और तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो दुस्साहस करेंगे, जो बदमाश चाहे हमारे पड़ोसी राज्य के हों, कहीं से भी आए हों, तो उनका भी हमें पुलिसिया ढंग से स्वागत करना आता है। और इसमें हमने अपनी बेस्ट टीम लगा रखी है, हरिद्वार पुलिस के अफसरों की भी और हमारी एसटीएफ की भी। हम इसमें पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी मदद ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य में इस घटना का सही खुलासा भी होगा, हम रिकवरी भी करेंगे और आगे इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमें और क्या करना है इसके लिए भी सार्थक प्रयास करेंगे।